मखदूम अबू बकर हाशमी साहब, मैं वेल स्टूडेंट और नाकाबले बर्दाश्त उस्तादा। अस्सलामुअलैकुम। मैं आज जब जंग पहुंचा और रोज की हालत देखी तो मैंने देखा कि जो कोई ऑफिस कॉलेज के लिए निकलता है तो उसे घर से तैयार होकर आने नहीं पड़ता, जगह जगह पानी खड़ा है। जब कोई तेज रफ्तार गाड़ी वहां से गुजरती है तो चार पांच लोगों का मुंह तो उधर ही वाइप वॉश हो जाता है। आज जो रोड पर मिट्टी जमा हुई है उससे तो लोगों का मेकअप हो जाता है। मैं नौजवानों, मैं आपसे एक वादा करता हूं, ये जो सुपीरियर कॉलेज के बाहर पानी खड़ा हुआ है, मैं इस पर डैम बनाऊंगा। डैम और सुनो सुनो, और मैं किसी से 10-10 रुपए नहीं लूंगा। 24 घंटे बिजली आएगी, 24 घंटे। सुने मुझे पता चला है, जब स्पेयर वाइट के ऑफिस बन रहे थे तो एक सेकंड ईयर का था, एक फर्स्ट ईयर का, तो हसन साहब ने प्रिंसिपल से कहा कि जान दियो सादी वाली भी आ दियो। सुने मेरी बात दोस्त, सुने, मुझे किसी ने जुनेद साहब के बारे में भी बताया जो यहाँ के छोटे से सरकार है। मैं नौजवानों से ज्यादा फीस से ज्यादा जुर्माना इकट्ठा करके पैसे बाहर भेजते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। जुनेद साहब, नैबा नियाजी का जोड़ का तो पता है ना आपको, नए पाकिस्तान में अब पैसा नहीं चलेगा। मुझे आपसे भी एक शिकायत है, मुझे इकराम नाथ साहब ने आपकी कंप्लेंट की है। वो आपकी क्लास में पेपर पे ड्यूटी कर रहे थे और C6 और M6 वाले उन्हें तंग कर रहे थे। जब वो निगरानी के दौरान आगे जाते तो पीछे वाले स्टूडेंट करते थे और जब पीछे जाते तो आगे वाले स्टूडेंट करते थे। मैं नौजवानों, अपने रवैये को तब्दील करें, ऐसा तब्दील करें जैसा मैंने पाकिस्तान को तब्दील कर दिया। इकराम साहब, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप पे उनकी अगर शिकायत आई तो मैं खुद इनसे निपट लूंगा। मैं ना सवालों, मैंने वजीर आजम बनने से पहले इस जंग की तरक्की का जो वादा किया था वो मैंने मजाक किया था। बिल्कुल वैसा ही मजाक जैसा शायद अवान साहब एडमिशन के वक्त मैं नौजवानों से करते हैं। मैं नौजवानों के दिलों और जज्बात के साथ खेलते हैं, उनका ठेस पहुंचाते हैं। एडमिशन के वक्त उन्हें बताया जाता है कि टूर्स जाएंगे, फंक्शंस होंगे, पार्टीज होंगी, लेकिन जब वो क्लास में आते हैं तो उन्हें पता चलता है तब्दीली आनी आई, तब्दीली आ गई है। आपसे कहा गया था कि यहाँ को एजुकेशन है और हमारे नौजवानों के साथ उनके अपने ख्याल अंदेज ने तंदरी कर दी। खैर अंदेश का तो पता ही होगा आपको, हम नसीब के आखिर पे लिखते हैं शहजाद अंजुम अंसारी खैर अंदेश। अंसारी साहब, मेरी बात सुने, गौर से सुने, एक मैसेज कंटीन वाले को भी कर दे, ये 10 वाली चीज 20 रुपए की देते हैं। ये सुने सुने, जे अलैदा ही छोटे छोटे इरफान शरीफ और सताई पड़े बच्चे हैं। मैंने रहमान साहब जो हमारे वाइस प्रिंसिपल है उनसे कहा कि इस करप्शन को रोके और जो पैसा रिकवर हो
उसमें से कुछ पैसा मौसी नंगा साहब को भी दे ताकि ताकि वो कुछ खाए पिए और सेहत बनाए। सुने सुने ये अभी अभी डिसिप्लिन इंचार्ज अब्दुल रहमान मजन साहब की कंप्लेंट आई है कि अगर कोई बच्चा 5 मिनट या 10 मिनट लेट आता है तो उसे गेट के बाहर आकर घर तक खड़ा कर दिया जाता है। ओए एक बात है करने वाली, अब नजम साहब आप बताएं कि आपको नहीं पता कि सुबह कॉलेज आते वक्त रास्ते में कितने चिंग चिंग रिक्शे आते हैं। देखिए सुने मेरा सवाल सुने, एक रिक्शा आपको 5 मिनट ले ही जाता है और 5 मिनट के बदले आधा घंटा नहीं चलेगा भाई नहीं चलेगा। और ये जो अक्रम ताई साहब नून लीग के स्पोक्समैन बने फिरते हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि नून लीग में रहकर इनका कुछ नहीं बनेगा। अगर ये पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो मैं इनको 18,000 से टिकट देने का वादा करता हूँ। और अगर सुने सुने अगर ये टिकट लेने से इनकार कर देते हैं तो मैं फिर आपके मुकाबले में जंग के नौजवान यंग चैलेंज ब्यूटीफुल पर्सन दीप रेंज अब्दुल सत्तार सियार का टिकट देने का वादा करता हूँ। सियाल साहब आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ये मुझे दूर दूर तक जो जुनून नजर आ रहा है मुझे मालूम है क्यों है, क्योंकि कल किसी को जंग पैलेस के करीब नहीं आने दिया गया। मैं नौजवानों इस सब के बावजूद मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है वो है सुपीरियर की इकोनॉमिक्स। सुपीरियर वाले इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। मैं हैरान हुआ जब मुझे पता चला कि सुपीरियर कॉलेज की हर साल मुसलसल बोर्ड में पोजीशन आती है। मुझे हैरानी भी हुई और खुशी भी। इस पर तो सुपीरियर वालों आपको दाद देना बनती है, अपने लिए क्लैप ही करें। इससे पता चलता है प्रिंसिपल साहब की दूर अंदेशी और मुस्बत पॉलिसी का। इससे पता चलता है मेरे नौजवानों कलर रियाज साहब की इस कमिटमेंट का जो उन्होंने जंग की आवाम के साथ कर रखी है। मैं इस पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आखिर में मशूका गुजारू हसन शहजाद साहब का और सुपीरियर के रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नदीम अली साहब का, जिनकी काविशों से मैं आज आप सबके दरमियान जिंदा खड़ा, वरना रिक्शे वाला तो पैसे बात मान रहा था। शुक्रिया शुक्रिया अल्लाह हाफिज आप सबका अल्लाह हाफिज।